की, इसमें हम बात कर रहे हैं कि तीन इन्होंने चीजों के बात की है। एक है पोस्ट इमर्जेंट स्पर्ट, क्या होता है कि जैसे ही उसने ओरल म्यूकोसा को क्रॉस किया और ऑक्लूजल प्लेन तक पहुंच गया, दिस इज पोस्ट इमर्जेंट स्पर्ट। दूसरी उन्होंने बात की इसकी वजह क्या होती है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होना, रात के टाइम फूड का ना लेना जो उसको अपोज कर रहा होता है, और ब्लड प्रेशर, ये तीन उन्होंने जिस बात की। उसके बाद आ जाता है जुवेनाइल ऑक्लूजल क्रेबियम। जुवेनाइल ऑक्लूजल क्रेबियम तब स्टार्ट होता है जब टीथ अक्लूजन में है, अपर लोअर टीथ बिल्कुल अक्लूजन में, लेकिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो हो रही है। अब जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है तो यू नो मैंडिबल इज मूविंग डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, मैक्सिला इज मूविंग डाउनवर्ड, तो द जॉज आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर विद द ग्रोथ ऑफ द जॉज। ठीक है, अगर टीथ जो एक टाइम पे अक्लूजन में थे वो जॉ की ग्रोथ के साथ साथ, तो एज द टीथ आर अटैच विद द बोन्स, तो वो तो एक दूसरे से अवे होना शुरू हो जाएंगे। तो होता क्या है, द टीथ अरप्ट टू कंपनसेट द ग्रोथ ऑफ द जॉस। ठीक है, जैसे मैंडिबल डाउनवर्ड फॉरवर्ड मूव किया, तो मैंडिबल जो फर्स्ट मोलर क्रेस्ट से मिसाल देते हैं तो वो डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड चला गया, वो तो अक्लूजल प्लेन से बिल्कुल अवे हो गया। इन ऑर्डर टू कंपनसेट दिस गैप बिटवीन द टीथ ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द जॉज, द टीथ अरप्ट टू कंपनसेट द ग्रोथ। तो हुआ क्या कि जो अक्लूजल प्लेन है वो वैसे ही मेंटेन और उसी जगह पे रहा, और आपके जॉज जो हैं वो हो गए। फॉर एग्जाम्पल ये अपर और लोअर टीथ हैं, मैं इसको करो चेंज करता हूँ, यह आपका अपर टीथ और ये लोअर फर्स्ट मोलर है। अब मैंडिबल की ग्रोथ डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड हुई, मैंडिबल की ग्रोथ के साथ ये दांत नीचे की तरफ चला जाएगा और मैंडिबल मैक्सिला की ग्रोथ भी सामने की तरफ जा रही है। अब ग्रोथ होने के साथ अक्लूजल प्लेन जो पहले मेंटेन था एक जगह पर, वो मेंटेन नहीं रहेगा क्योंकि जॉस के साथ साथ टीथ मूव करते चले जा रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि दिस अरप्शन ऑफ द टीथ लोअर में अपर एंड ऊपर की तरफ, और अपर जो टीथ हैं वो डाउनवर्ड जो अरप्ट कर रहे हैं, दिस अरप्शन ऑफ द पोस्टीरियर टीथ टू मेंटेन द कांटेक्ट ऑफ द टीथ ओवर द अक्लूजल प्लेन इज द जुवेनाइल अक्लूजल क्रेबियम। जुवेनाइल का वर्ड क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या उस एज पर्टिकुलर एज ग्रुप में हो रहा है। ठीक है, दिस इज इन अच्छा, अब आपका क्या ख्याल है कि जब आपकी वैसे ग्रोथ स्पर्ट आएगी, ठीक है, ग्रोथ स्पर्ट एक वो पीरियड है कि साल 2 साल के लिए जब आपकी ज्यादा ग्रोथ हो रही है, तो यही जुवेनाइल अक्लूजल अक्लूबियम जो है वो स्पर्ट में क्या होगा, जॉज बड़ी तेजी के साथ ग्रो करेंगे। तो हुआ क्या कि यहाँ पर आपको अरप्शन में भी स्पर्ट मिलेगी। क्यों अरप्शन में भी स्पर्ट मिलेगी, क्योंकि जॉज जो है वो तेजी के साथ एक दूसरे से सेपरेट हुए, तो जो मोलर्स हैं वो या और प्री मोलर्स हैं वो अरप्ट करेंगे इन ऑर्डर टू मेंटेन दी अक्लूजल कॉन्टैक्ट। और जिस तरह जॉ में ग्रोथ स्पर्ट आई उसका, इसको अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आप देख सकते हैं कि अगर वो एंकाइलोज कर जाता है तो एंकाइलोज करने के साथ क्या होगा कि जॉ मूव करेगा। जैसे कि अगर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि लोअर सिक्स जो है, मैंडिबुलर सिक्स जो है वो एंकाइलोज है बोन के साथ, तो मैंडिबल डाउनवर्ड फॉरवर्ड ग्रो किया, तो जो मोलर है वो क्योंकि फ्यूज है बोन के साथ तो वो बोन के साथ साथ मूव करता हुआ डाउनवर्ड फॉरवर्ड आ गया। अब क्या हुआ कि क्यों उसमें जुवेनाइल अक्लूजल इक्विलिब्रियम नहीं है फ्यूज होने की वजह से, तो टुथ तो अरप्ट ही नहीं कर रहा। जब टुथ अरप्ट नहीं कर रहा तो क्या होगा कि वो सबमर्ज्ड चला जाएगा। सबमर्ज्ड होने का मतलब क्या है कि वो आउट ऑफ द अक्लूजन चला जाएगा। ठीक है, तो इस ये टोटल अरप्शन पाथ ऑफ द फर्स्ट मोलर इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर मीन के 25 मिलीमीटर जो है वो मूव कर रहा है, तो इसमें हाफ ऑफ द डिस्टेंस जो है वो मूव करता है, नियरली हाफ इज ट्रेवल्ड आफ्टर द टूथ रीचेज द क्लूजल लेवल और इस फंक्शन, यानी कि 25 मिलीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर में जो उसकी अरप्शन थी फर्स्ट मोलर की, उसमें आधी अरप्शन उसकी हो रही है आफ्टर रीचिंग टू इट्स द क्लूजल प्लेन और उसके फंक्शन में आने के बाद। ठीक है, और अगर वो नहीं है एंकलोज कर जाएगा तो वो सबमर्ज कर सकता है, इतना कर सकता है कि वो उसका म्यूकोजा भी उसको कवर कर ले। ठीक है, ये उसकी बात थी। और दूसरी बात जो कंसेप्ट है वो है अडल्ट अक्लूजल क्रिबियम। अडल्ट अक्लूजल क्रिबियम का मतलब क्या है कि पेशेंट हो गया अडल्ट। अब अडल्ट में क्या है कि उसका एंटेगोनिस्ट जो है वो अगर लॉस्ट होता है अपोजिंग टीथ, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द फर्स्ट मोलर, ठीक है, फर्स्ट मोलर के अपोजिंग टूथ जो है वो एक्सट्रैक्ट हो गया, तो ये अरप्ट करना शुरू कर देगा क्योंकि इसको अपोज करने के लिए दूसरी फोर्सेस नहीं थी। एक बात, और अडल्ट अक्लूजल अक्लूबियम का मतलब क्या है कि अडल्ट में हो रहा है अक्लूजल अक्लूबियम, मीन के अक्लूजल का कोई अक्लूब्रियम मेंटेन कर रहा है, तो ये अडल्टहुड में नहीं हो रहा, तो इसमें
एडल्ट क्लोजर इक्विलिब्रियम में आपकी इरप्शन होगी एडल्टहुड में व्हेन द एंटागोनिस्ट एंटागोनिस्ट वुड हैव बीन लॉस्ट या इंटरप्रॉक्सिमल स्ट्रिपिंग की वजह से. इंटरप्रॉक्सिमल स्ट्रिपिंग यानी कि जो आपको पता है जो टीथ मूव कर रहे हैं, टीथ मूव करने की वजह से द इंटर जो उनकी प्रॉक्सिमल सर्फेसिस हैं वो आपस में घिसना शुरू हो जाएंगे. घिस के क्या होगा, जो पोस्टीरियर टीथ है वो आगे की तरफ मूव करेगा. तो एडल्ट अक्लूजल में दो टाइप की मूवमेंट हो रही है, एक तो अक्लूजल मूवमेंट उसके एंटागोनिस्ट अपोजिंग टूथ ना होने की वजह से, और दूसरी उसकी इंटरप्रॉक्सिमल स्ट्रिपिंग होने की वजह से, स्ट्रिपिंग सॉरी कह रहा हूँ, इंटरप्रॉक्सिमल रिडक्शन होने की वजह से वो कंपनसेट करके आगे की तरफ मूव कर रहा है. तो एडल्ट अक्लूजल में ये दो मूवमेंट हो सकती है. क्विकली रिवाइज करते हैं, पोस्ट इमर्जेंट इंटरप्शन इज द मूवमेंट ऑफ द टूथ व्हेन इट पियर्स द ओरल म्यूकोसा and until it reach the oral cavity. Growth hormone secretion के timing के वजह के साथ हो रहा होता है 8 PM से 1 PM तक. ये opposing to the food के contact की वजह से slow हो जाएगा और blood pressure changes की वजह से हो सकता है. इसमें juvenile occlusal equilibrium होता है जो कि jaw की growth के साथ जो है जैसे जैसे jaw away होते जाते हैं in order to maintain the occlusal contact and occlusal equilibrium ये teeth erupt करते रहते हैं. और जब growth spurt आएगी jaws में जिसमें कि jaw 1-2 साल के दरमियान बड़ी तेजी के साथ grow करेगा तो वो आपको eruption में भी spurt मिलेगी. ठीक है, इसको आप अगर देखना तो हम इसकी मिसाल ले सकते हैं एंकलोसिस में कि जिसमें अगर तो एंकलोस कर चुका है जॉ के साथ तो उसकी जुवेनाइल ऑक्लूजल इक्विलिब्रियम मिसिंग हो के तो फिर आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा गैप आ चुका है. बाकी उसने बात की कि 2.5 सेंटीमीटर यानी 25 mm तक की इरप्शन हो रही है जिसमें कि हाफ ऑफ द इरप्शन इज आफ्टर द टूथ रीचेस द ऑक्लूजल प्लेन. ठीक है, तो बाकी उसने बात की एडल्ट ऑक्लूजल इक्विलिब्रियम इज द इक्विलिब्रियम व्हेन द टीथ आर इन ऑक्लूजन. और ये इसमें अरप्शन कब हो रही है एडल्टहुड में, ये अरप्शन कब होती है जब एंटागोनिस्ट लॉस्ट हो चुका है तो अपर मोलर जो है या लोअर जो है वो अपोजिंग टूथ की स्पेस में अरप्ट करना शुरू कर देगा, या अगर इंटरप्रॉक्सिमल रिडक्शन हो गई तो उस रिडक्शन की वजह से जो टूथ म्यूजली मूव कर रहे हैं वो उसमें. उसके बाद आता है डेंटल इरप्शन और सीक्वेंस. ये हमने बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ है. किसी कोई भी डेंटल एज जो है वो 3 फीचर से डेवलप हो रही होती है. पहला फीचर क्या है कि पहला फीचर इज विदाउट द रेडियोग्राफ यानी कि किस एज पे कौन सा टूथ अरप्ट कर रहे हैं. जो सेकंड और थर्ड फीचर है वो क्लोजली रिलेट कर रहे हैं और वो रिलेट करते हैं अमाउंट ऑफ द रिजॉर्प्शन ऑफ द प्राइमरी टीथ सेकंड, और थर्ड है अमाउंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द परमानेंट टीथ. कोई भी डेंटल एज जो है वो 3 फीचर से बताई जा सकती है. एक ये कि वो कौन कौन से टीथ किस किस एज ग्रुप में अरप्ट कर रहे हैं, दूसरा है रिजॉर्प्शन ऑफ द प्राइमरी टीथ, तीसरा जो है वो है डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ द रूट ऑफ परमानेंट टीथ. स्टार्ट करते हैं डेंटल एज 6 से. डेंटल एज 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसमें डिवाइड किया हुआ है. इसको दो ट्रांजिशन पीरियड में, इसको दो पीरियड में डिवाइड किया गया विद वन ट्रांजिशन. एक है 6 to 8 years का एज ग्रुप. इसमें क्या है कि आप एक वन ग्रुप ऑफ टीथ आर अरप्टिंग, उसके दरमियान में एक पॉज आ रहा है, 9 or 10 years में. इन 2 सालों के दरमियान जो है वो कोई टीथ अरप्ट नहीं कर रहा. जो सेकेंड फेज ऑफ अरप्शन है वो 11-12 years में है कि जिसमें के रिमेनिंग टीथ अरप्ट करते हैं. कोई भी जैसे कि मैंने कहा कोई भी डेंटल एज इज करेक्टराइज्ड बाय 3 फीचर, अरप्शन ऑफ द टीथ, रिजॉर्प्शन ऑफ द प्राइमरी टीथ एंड स्टेटस ऑफ द रूट फॉर्मेशन ऑफ द परमानेंट टीथ. यहाँ पर इस बुक में जो बात की गई है वो पहला और तीसरा करेक्टर यानी कि अरप्शन ऑफ द टीथ और रूट फॉर्मेशन स्टेमोलर एंड लोअर सेंट्रल इंसाइजर. ठीक है, इसमें आपने याद रखा जिस तरह हमने कहा था ना कि लेडीज फर्स्ट का रूल है, तो यहाँ पे स्मॉल फर्स्ट का रूल है कि जो घर में छोटा बच्चा होता है तो उसकी पहले मनमानी होती है, उसकी बारी पहले आती है. मैं अक्सर क्लास में मिसाल देता था कि अगर 2 बच्चे हैं तो कुछ भी खाने पीने या कोई भी चीज होगी तो छोटे बच्चे की पहले बारी आती है. मैक्सिमा मेंडिबल में छोटा कौन है, सेफेलोकॉर्डन ग्रेडियंट के हिसाब से मेंडिबल इज स्मॉल, इट्स ए स्मॉल बेबी, तो पहले बारी हमेशा इसकी आएगी. तो आप ये देख रहे हैं कि फर्स्ट परमानेंट मोलर, फर्स्ट यानी कि इंसाइजस भी स्मॉल जॉ के यानी मैंडिबल के अरप्ट कर रहे हैं और फर्स्ट परमानेंट मोलर भी रिलेटिवली जरा पहले ही अरप्ट कर जाते हैं. तो दिस इज द फीचर ऑफ डेंटल एज 6 जिसमें के ऑल फर्स्ट परमानेंट मोलर और लोअर सेंट्रल इंसाइजर अरप्ट करते हैं. ठीक है, उसके बाद आ जाता है डेंटल एज 7. डेंटल एज 7 में जो अरप्ट कर रहे हैं वो लेटरल इंसाइजर्स, लोअर के और अपर के सेंट्रल इंसाइजर्स. ठीक है, और उसके बाद आ जाता है डेंटल एज 8. डेंटल एज 8 में जो है वो अपर लैटरल इंसाइजर्स अरप्ट करेंगे. तो क्विकली रिवाइज करते हैं, डेंटल एज 6 में ऑल फर्स्ट परमानेंट मोलर और लोअर इंसाइजर्स, डेंटल एज 7 में लोअर लैटरल इंसाइजर और अपर फर्स्ट परमानेंट मोलर, और डेंटल एज 8 में अपर
लेटरन साइजेस अरब करके, उसके बाद 9 और 10 ईयर्स का मैंने कहा था कि इसमें एक ट्रांजिशन पीरियड, एक पॉज है जिसमें कि कोई टू तरफ नहीं कर रहा। इसमें क्या है कि अब डेंटल एज को करेक्टराइज किया गया है उसकी रूट फॉर्मेशन स्टेटस के साथ। रूट फॉर्मेशन स्टेटस में यह है कि हमने याद करने के लिए फॉर द ईज ऑफ मेमोराइजेशन हमने 4/34 यानी 4/3/4 का फॉर्मूला याद किया था। एक ये ग्रुप ऑफ टीथ है, बाकी जो है वो रिमेनिंग ग्रुप ऑफ टीथ है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो बाकी जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। यहाँ पर 3 हो गया, सॉरी यहाँ पर 3 नहीं हुआ, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर ये 3 नहीं है क्योंकि यहाँ पर 5 है और 7 है। तो हमने बात की डेंटल एज 9 पर इनकी जो है वो 1/3 रूट फॉर्मेशन है इन ग्रुप ऑफ टीथ की। 4/34 यानी 4/3/4 की जो है वो 1/3 रूट फॉर्मेशन है डेंटल एज 9 में, और इनकी जो है वो जस्ट रूट फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, मूविंग ऑन आगे आते हैं डेंटल एज 10 के ऊपर, ये जो ग्रुप ऑफ टीथ है इनकी रूट फॉर्मेशन हो गई हाफ। ठीक है, जो 4/3/4 है डेंटल एज 9 पे इनकी 1/3 रूट फॉर्मेशन थी और इनकी जस्ट बिगन हुई थी। डेंटल एज 10 पे इनकी हो गई हाफ रूट फॉर्मेशन और इनकी हो गई 1/3। ठीक है, इनकी 1/3 और इनकी हाफ रूट फॉर्मेशन। और डेंटल एज 11 पे आते हैं तो ये बंच ऑफ टीथ जो हैं ये कर जाएंगे अरप्ट डेंटल एज 11 पे और ये अरप्ट करेंगे डेंटल एज 12 पे। ठीक है, अगर हम इसको क्विकली रिवाइज करें तो हमारे पास जो एक ग्रुप ऑफ टीथ ये हो गया, सॉरी ऐसे लिखेंगे, 3 इधर आएगा 4 इधर आएगा। 9 ईयर्स पे इनकी 1/3 रूट फॉर्मेशन थी, 10 ईयर्स पे इनकी हाफ रूट फॉर्मेशन थी, 11 ईयर्स पे ये टीथ अरप्ट करेंगे। ठीक है, और 12 ईयर्स पे रिमेनिंग टीथ अरप्ट करेंगे। इसमें जो कैटेगरीज हैं वो हाफ रूट, 1/3 रूट फॉर्मेशन, हाफ रूट फॉर्मेशन एंड इरप्शन। डेंटल एज 9 पे इनकी 1/3 रूट फॉर्मेशन, 10 पे हाफ रूट फॉर्मेशन और 11 पर इनकी इरप्शन। रिमेनिंग जो हैं वो इसके एक एक स्टेप बाद में फॉलो करते हुए चले आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया डेंटल एजेस। तो इसमें आप ये याद रखिएगा कि 6 मंथ का प्लस माइनस इज नॉर्मल, इनके 6 महीने ऊपर नीचे जो हैं वो हो सकते हैं। और बाकी इसमें बात करता है कि सक्सीडेनियस टीथ क्या होते हैं कि जो सक्सीड करते हुए आ रहे होते हैं और प्राइमरी टीथ को रिप्लेस कर रहे होते हैं। ठीक है, बाकी इस चैप्टर में जो आगे जो 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं क्विकली 10 मिनट में सब खत्म करता हूँ, वो है इंसाइजेस लाइबिलिटी और अच्छा सॉरी ये रहेगा कि इसमें ना एबनॉर्मल वेरिएशंस भी आती हैं। वेरिएशन एबनॉर्मल होने में दिस इज अ रेड फ्लैग साइंस। एक चीज जो आपने नोट करनी है वो ये है कि अगर जनरलाइज डिले इन द इरप्शन है ना तो परेशानी की बात नहीं है। कि अगर जो एक बात एक है कि 6 मंथ प्लस माइनस इज अ नॉर्मल थिंग, इसमें कोई परेशान नहीं होना। दूसरा ये है कि अगर तो जनरलाइज डिले है तो ब्रिटिश लिटरेचर ये कहता है कि अगर 2 साल तक का भी जनरलाइज डिले या जनरलाइज फास्टर इरप्शन है तो दिस इज प्रीटी नॉर्मल। रेड फ्लैग साइंस क्या है कि जब वेरिएशन होती है इनके इरप्शन सीक्वेंस में, वेरिएशन के 3 उन्होंने कैटेगरीज डिवाइड की जो में हो रहा है। एक है 7 और 5 में, 7 और 5 यानी कि सेकेंड परमानेंट मोलर और सेकेंड प्री मोलर जो है ये एक ही एज ग्रुप यानी कि डेंटल एज 12 में अरप्ट कर रहे होते हैं। अगर ऐसे होता है कि 7 पहले अरप्ट कर जाए तो 7 अरप्ट करते साथ ही 6 को आगे की तरफ पुश करेगा एंड इट मे यूटिलाइज द स्पेस फॉर द अरप्शन ऑफ द 5। तो एबनॉर्मल वेरिएशन क्या है कि अगर सेकेंड मोलर इज अरप्टिंग अहेड ऑफ द प्री मोलर इन द मैंडिबल तो क्या होगा कि वो पुश करेगा फर्स्ट मोलर को और फर्स्ट मोलर आ जाएगा ई स्पेस में और वो उसके लिए 5 करप्शन के लिए जगह ही नहीं छोड़ेगा। तो ये एक एबनॉर्मल फीचर ऑफ वेरिएशन है। दूसरा क्या है कि अरप्शन ऑफ द केनाइन अहेड ऑफ द प्री मोलर इन द मैक्सिला। अब क्या होगा कि अगर केनाइन जो है वो सेकेंड प्री मोलर से पहले अरप्ट कर गया, ठीक है, तो सॉरी अगर सेकेंड प्री मोलर आप ये देखें कि ब्लॉक्ड आउट 5 है या टूथ की इसके लिए जगह नहीं है, स्पेशली आप इधर अगर देख लें तो। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो 7 के अरप्शन की वजह से इसने उसको पुश किया और वो आगे की तरफ आ गया और 6 आगे आने की वजह से उसने लीवे स्पेस में आ गया। ठीक है, लीवे स्पेस में आ गया तो प्री मोलर के इरप्शन के लिए जगह नहीं मिली तो वो ब्लॉक डॉट और आगे की तरफ आ गए। दीज आर द एबनॉर्मल वेरिएशन ऑफ द इरप्शन के 7 जो है फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक दिस के मैंने कहा कि 7 लोअर 7
और 5 दोनों ने एक ही एज ग्रुप में अरप्ट करना था। अगर 7 जो है वो पहले अरप्ट कर गया तो उसने 6 को आगे की तरफ पुश कर दिया, 6 को आगे की तरफ पुश कर गया तो वो लीवे स्पेस में चला गया, लीवे स्पेस में चला गया तो हुआ ये कि प्री मोलर के अरप्शन के लिए जगह नहीं बची, इसके लिए जगह नहीं बचेगी तो वो टूथ जो है वो ब्लॉक्ड आउट हो रहा होगा। ठीक है, दूसरी वेरिएशन जो थी वो थी के नाइन्स की, कि अगर इनमें अरप्शन की वेरिएशन आ रही है तो क्या होगा कि इसके लिए जगह नहीं बचेगी। 4/3/4 था ना, तो अगर 5 पहले अरप्ट कर गया और केनाइन के लिए जगह नहीं बची तो ये केनाइन जो है ब्लॉक्ड आउट और बाहर की तरफ आ रहा है। आपको याद है कि केनाइन जो है इज द लास्ट टूथ टू अरप्ट मीजियल टू फर्स्ट मोलर, मीजियल टू फर्स्ट मोलर जो है इसने सबसे आखिर में आना है। अगर ये पहले आकर इसके लिए जगह नहीं बची तो ये ब्लॉक्ड आउट या बाहर की तरफ आएगा। तीसरी वेरिएशन जो थी वो थी मिड लाइन डेविएशन के अगर लेफ्ट और राइट जो है वो एक ही टाइम पर अरप्ट करना चाहिए, अगर मैगजिला के टीथ या एक साइड के पहले अरप्ट कर रहे हैं तो वो मिड लाइन को दूसरी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। मिड लाइन का आपको आइडिया है कि फेस की मिड लाइन जो है वो फेस का बिल्कुल हाफ ऑफ द फेस होगा। तो इसके साथ जो डेंटल की मिड लाइन है, डेंटल की मिड लाइन जो है वो बेसिकली द सेंट्रल इंसाइजर के कॉन्टेक्ट पॉइंट का एरिया है, तो सेंट्रल इंसाइजर्स के कांटेक्ट पॉइंट जो हैं वो मैच करने चाहिए फेस की मिड लाइन या फेस के साथ। अगर तो ये मैच नहीं कर रहे तो उसकी वन ऑफ द पॉसिबल रीजन इज द एबनॉर्मल अरप्शन, जिसमें कि ये कि फॉर एग्जांपल ये देखें ये दांत अरप्ट कर रहा है, ये अरप्ट करते करते इसको जो है वो बाहर की दूसरी तरफ पुश कर देता है तो वो मिड लाइन मैच ऑफ कर देगा, जिसमें क्या होगा कि जो है वो लोअर के टीथ अगर अपनी जगह बिल्कुल सही है तो अपर के टीथ जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द अरप्शन सीक्वेंस ऑफ द परमानेंट टीथ। तीन अबनॉर्मल वेरिएशन मैंने आपको बताई है, एक है 5 और 7 की कि जिसमें कि 7 पहले अरप्ट कर रहा है, 6 को आगे पुश कर रहा है, जगह नहीं दे रहा। दूसरी है केनाइन्स की और प्रीमोलर्स की कि केनाइन के लिए जगह नहीं बचेगी, और तीसरी है मिड लाइन डेविएशन कॉज बाय द डिफरेंशियल अरप्शन, यानी कि एक साइड के दांत पहले अरप्ट कर गए और उन्होंने उसको पुश कर दिया, दूसरी तरफ धक्का दे दिया, धकेल दिया और ये वेरिएशन आ गई। ठीक है, सो मूविंग बैक टू द प्रेजेंटेशन, बेटा मेरी बुक डिस्प्ले हो गई आपको? जी, बुक डिस्प्ले आ गई। अभी नहीं हुई ट्रेनिंग। ओके, हाँ जी हो गई। ठीक है, बुक आ रही है सामने। ओके ओके, ठीक है। एबनॉर्मल वेरिएशन हमने तीन बात की, अरप्शन ऑफ द सेकंड मोलर अहेड ऑफ द प्री मोलर इन द मैंडिबल आर्च, अरप्शन ऑफ द केनाइन अहेड ऑफ द प्री मोलर इन द मैक्सिलरी आर्च, एंड एसिमेट्रिक इन द अरप्शन ऑफ द लेफ्ट एंड राइट साइड। उसके बाद ये बात करते हैं कि है बस वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पेस फ्रेशन इन दी, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो इंसाइजर लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। इंसाइजर लाइबिलिटी इज बेसिकली द आर्च लेंथ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द स्पेस अवेलेबल इन द इंसाइजर रीजन, वट एवर इज द स्पेस इज अवेलेबल के इन, आपके डिसीडुअस टीथ जो फॉर एग्जांपल सादा सी बात है, जो आपके फर्स्ट जो आपके परमानेंट इंसाइजर्स आएंगे उन परमानेंट इंसाइजर्स का साइज जो है वो बड़ा होगा और वो सारी जिंदगी सेम ही रहेगा क्योंकि एनामल का साइज तो सेम ही रहना है। उनको अकोमोडेट करने के लिए कितनी जगह अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे मिसाल के तौर पर कहता हूँ कि जो अपर इंसाइजर्स आए उनकी मेजो डिस्टल विथ, उनके जो मतलब मेजो डिस्टल विथ आप आई एम श्योर समझते होंगे वो है लेट्स से 40 मिलीमीटर, लेकिन जो स्पेस अवेलेबल है उनके लिए मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ वो है 20 मिलीमीटर। वो 20 मिलीमीटर कैसे बने कि टीथ के दरमियान प्राइमरी स्पेसेस, अपर की प्राइमेट स्पेस विच इज मेजर टू द अपर सी, और डिसीडुअस टीथ के साइज, यानी कि सारी जगह जो अवेलेबल है इस वक्त वक्त के तौर पे वो मिसाल के तौर पे लेट्स से वो 20 मिलीमीटर है, तो हम कहेंगे कि इंसाइजर लाइबिलिटी यानी कि इतनी जगह हमें रिक्वायर्ड है फॉर द अरप्शन ऑफ द परमानेंट साइजर। तो इंसाइजर लाइबिलिटी इज द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ द स्पेस विच इज अवेलेबल फॉर द अरप्शन ऑफ इंसाइजर एंड रिक्वायर्ड फॉर द नाइसली अलाइनमेंट इंसाइजर। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल के मैंडिबल इंसाइजर की बात करते हैं, मैंडिबल इंसाइजर जो है वो लोअर इंसाइजर जो है वो है लेट्स से 5.5 मिलीमीटर के विड्थ में, और जो प्राइमरी इंसाइजर का साइज है 3 मिलीमीटर। अब जो डिफरेंस आ रहा है इनके दरमियान में वो उसको हम कह सकते हैं कि इंसाइजर लाइबिलिटी, और उसके दरमियान
جو ہے وہ کیسے اکوموڈیٹ ہوں گے, ٹھیک ہے, وہ کس طریقے سے اکوموڈیٹ ہوں گے, وہ ہم نے آپ کلاس بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہوا ہے. اس کے تین چار میتھڈز ہیں. ایک تو ہے کہ انٹر کینائن وڈتھ جو ہے وہ انکریز کرتے جائے, لیٹس سے 2 ملی میٹر جو ہے وہ انٹر کینائن وڈتھ انکریز کر جائے گی, جو اسپیس اویلیبل ہی انکریز کر دے گی, ٹھیک ہے نا. گروتھ, ہم جب اسپیس اویلیبل انکریز ہو جائے گی ڈیو ٹو دا گروتھ آف دا جاز, یعنی کہ ہڈی کا سائز انکریز ہو جائے گا تو جگہ ایزیلی مل جائے گی, لیٹس سے 2 ملی میٹر جو ہے وہ آپ کو اس طرح سے مل جائے گی. باقی یہ کہ جو انسائزز رب کرتے ہیں وہ آرچ آف گریٹر سرکمفرنس میں رب کریں, سو دا لیبیل پوزیشن آف دی پرپر انسائزز آر پروکلائنڈ ایز کمپیئر ٹو دا پوزیشن آف دی پرائمری ٹیتھ. ہم نے کلاس میں ڈسکس کیا تھا کہ جو پرائمری ٹیتھ ہیں ان کا فیچر یہ ہوتا ہے کہ وہ ریٹروکلائنڈ اور اپ رائٹ ہوتے ہیں, جو پرمانٹ انسائزز ہیں وہ پروکلائنڈ یا ایک نارمل انکلینیشن میں ہوتے ہیں, وچ از دا فیچر آف دا پرمانٹ انڈیشن. سو by the label flaring of the incisors you would get a space kyunki wo arch of greater circumference mein ja ke align ho gaya. For example agar ye arch aisi thi aur incisors mein upright the, jab permanent incisors aaye wo is direction mein aur flared ho ke aaye, to kyunki wo arch of greater circumference mein اس کا سرکمفرنس بڑھ گیا, آرچ آف گریٹر سرکمفرنس میں چلے گئے تو آپ کو اسپیس مل گئی. سملرلی اپلائز ٹو دا انٹرکنائن وڈتھ. انٹرکنائن وڈتھ یعنی کہ ان کی جو وڈتھ ہے وہ انکریز کی ٹرانسورس پلین میں تو ان کو زیادہ جگہ مل گئی. تیسرا یہ بات تھی کہ جو پرائمری اسپیسیز اور پرائمیٹ اسپیسیز پڑی ہوئی تھیں ان اسپیسیز کے اندر یوٹیلائز ہو گئی اس کے ساتھ. باقی انہوں نے بات کی ہے کہ جو مینڈیبل اور کینائن ہے جو سی ہے اس کو وہ پش بھی کر دیتا ہے پیچھے کی طرف. انسائزز ارب دا کینائن ٹیتھ ناٹ اونلی وائڈن آؤٹ سلائٹلی بٹ موو سلائٹلی بیک انٹو دا پرائمری اسپیس, ٹھیک ہے. مینڈیبل میں کا جو ہے وہ اس کو سی کو پیچھے کی طرف پش بھی کر دے گا, تو اس کے ساتھ بھی آپ کی وہ مل جائے گی. تو باقی اس میں کیا کہتے تھے کہ جو ہم نے بات کی تھی کہ جو اسپیسنگ بٹوین دی انسائزز نہ صرف یہ نارمل فیچر ہے بلکہ دس از کریٹیکلی امپورٹنٹ فار دا نائس الائنمنٹ آف دا پرمننٹ انسائزر. کیونکہ اگر ہالی ووڈ اسمائل کہتا ہے کہ اگر ٹیتھ کانٹیکٹ میں ہیں, ڈیسیڈوس ٹیتھ میں, ٹیتھ کانٹیکٹ میں, جس طرح آپ کی اس میں بک میں سال دی کہ جینی آئی اس کی مدر کی پیک کہ جی پہلے تو اس کے نائسلی الائنڈ تھی, اب پرمننٹ میں آ کے کیوں ٹیڑھے میڑھے ہو گئے. کیونکہ اگر نائسلی الائنڈ یہ ہالی ووڈ اسمائل تھی آپ کی پرائمری ڈینٹیشن میں تو وہ کیونکہ اس نے آپ کو انسائزر لیبلٹی میں اسپیس نہیں دی, تو پرمننٹ سائزر جو آئیں گے وہ فار شیور کراؤڈڈ فارم میں ہوں گے. So spacing between the incisors is not only a normal feature of the primary indentation, however this is critically important for the alignment of the permanent incisors. Baki ek aur feature, normal feature tha, wo hai diastema between the maxillary upper incisors. This diastema is caused by the roots of the by the crown of the maxillary canine. The maxillary canine is pushing on the distal aspect of the root of the upper lateral incisors. To uske sath kya hua, lateral incisors ki roots jo hain wo converge kar gayi aur diastema ho gaya. For example this is the root of the lateral incisor or this is the root of the central incisor. To jab canine erupt kar raha hai to canine ka crown jo hai wo is jagah pe, jo canine ka crown is pushing on the distal aspect the root of the lateral incisor and hence it is touching and pushing the root of the central incisors. So central incisors jo hai wo uska crown jo hai wo is taraf chala jayega. Sada si baat kya hai ki agar ye hai root, is root ke upar ye crown of the canine jo hai wo push kar raha hai, to iske push karne ki wajah se jo root hai wo ek dusre ke kareeb aa jayenge aur crowns jo hain wo فلیئر اپ اور سائڈ پہ جانا شروع کر دیں گے. تو کراؤنز کو سائڈ پہ جا رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو ڈائسٹما آ جائے گا, وچ از دی نارمل فیچر ان دی مکسڈ کنڈیشن بیکاز آف دی دس از دی ایرپٹنگ بیکاز آف دی ایرپٹنگ کینائن اینڈ دس اسٹیج از کالڈ اگلی ڈکلنگ اسٹیج, کیونکہ اگلی فیچر آ رہے ہوتے ہیں ڈائسٹما ہوتا ہے, بٹ دس از نارمل اینڈ نو آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ از ریکوائرڈ. ہیئر یو کین سی ان دس پکچر کہ کینائن جو ایرپٹ کر رہا ہے وہ لیٹرل سائزر کے روٹ کے ڈسٹل ایسپیکٹ پہ اس کو پش کر رہا ہے, وہ سینٹرل سائزر کو پش کر رہا ہے اور ایک ڈائسٹما سا آیا ہوا ہے. جیسے جیسے کینائن ایرپٹ کر کے نیچے آتا جائے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. جو 2 mm کا جو ڈائسٹما ہے اس نارمل فیچر آف دا is pretty normal, جو خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اس کے بعد لاسٹ پورشن آف دس چیپٹر از ای اسپیس. کیا ہوتی ہے کہ ای اسپیس از دا ڈفرنس ان دا میزو ڈسٹل سائز آف دا ای اینڈ 5, ٹھیک ہے. ای جو ہے وہ از بگر ان دا سائز ایز کمپیئر ٹو دا 5. جتنا ای سائز میں بڑا ہوگا, جتنے ملی میٹر بڑا ہوگا اس کو ہم ای اسپیس کہیں گے. سملرلی ڈی اسپیس کیا ہوتی ہے کہ 4
اور ڈی کے درمیان کتنا فرق ہوگا سائز میں, اس کو ہم ڈی اسپیس بولیں گے. تو کمنگ ٹو دا مینڈیبل, مینڈیبل میں کیا ہے کہ جو مینڈیبل کی ای اسپیس ہے وچ از 2 ملی میٹر, یعنی کہ جو لوور ای ہے, لوور ای آپ کو ویسے بھی پتا ہے کہ جو لوور ای از بگر ان سائز ایز کمپیئر ٹو دا اپر ای, ٹھیک ہے نا. جو لوور ای ہے سیکنڈ مولر وہ سائز میں بڑا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا اپر ای. تو جو لوور ای is 2 millimeter wider than lower 5 اور اس کو ای اسپیس کہتے ہیں. 2 ملی میٹر آپ کو ایکسٹرا اسپیس مل گئی ای سے اور 0.5 ملی میٹر آپ کو اسپیس ملی ڈی سے, کیونکہ جو ڈی از 0.5 ملی میٹر لارجر ان دا میزر ڈسٹل ڈائمینشن ایز کمپیئر ٹو دا 4. تو ڈی اسپیس پلس ای اسپیس آپ کو مل گئی, جو کہ 2.5 ملی میٹر اسپیس از. The deciduous molars are larger in size as compared to the premolars. So, this difference ko hum dusra naam jo dete hain wo leeway space kar dete hain. Leeway space is this ke the CDE, the combined mesial distal width of the CDE are bigger and larger in size as compared to the mesial distal width of the 3, 4, 5. اس اسپیس کی امپورٹنس کیا ہے کہ دس لیوے اسپیس از امپورٹنٹ فار دا لیٹ میزل شفٹ. لیٹ میزل شفٹ کیا ہوتی ہے, جو 12 سال کی ایج میں جب ای ایکسفولیٹ کرتا ہے تو مولر جو ہے وہ لیوے اسپیس میں آگے کی طرف آتا ہے. اور دس از امپورٹنٹ کہ اگر ہم کسی طریقے سے روک لیں لیوے اسپیس کو تو ہم اس اسپیس جو کہ ایکسٹرا اسپیس آپ کو ملنی تھی by the difference in the size of the premolar and the deciduous molars, is space ko aap utilize kar sakte hain for the correction of the crowding, jo ki hum baad mein isko discuss karenge. So for the point is this ki let's discuss ki hamara jo hai wo molar relationship jo hai wo kis tarike se change kar raha hota hai. So let us discuss what is the relationship of the primary second molar. If the distal surface of the primary molars are in the same plane, bilkul ek hi plane ke andar hain distal surfaces of the second molar, bilkul ek plane mein, to hum usko naam dete hain flush terminal plane mein. Distal step ka matlab kya hai, this is with reference to the lower arch. Agar aapka lower e ki distal surface is distal to the distal surface of the upper e, to usko hum naam dete hain distal step ka, theek hai. What is mesial step? The distal surface of the lower E is mesial to the distal surface of the upper E. ٹھیک ہے, تو میزل اسٹیپ میں کیا ہوا کہ جو لوور ای ہے وہ آگے کی طرف ہے, ڈسٹل اسٹیپ میں جو لوور ای ہے وہ پیچھے کی طرف ہے ایز کمپیئر ٹو دا اپر ای. اور فلش ٹرمینل پلین میں ڈسٹل سرفیسز آف دا اپر اینڈ لوور ٹیتھ وہ بالکل ایک ہی پلین کے اندر ہیں. اب ہو کیا رہا ہے کہ now we are going to discuss ke how does this distal step relationship is converting into the permanent molar relationship, yani ke primary dentition ke ye distal step flush terminal ya mesial step kaun kaun se molar relationship bana sakte hain ye hum discuss karne ja rahe hain. aur ye depend karte hain ke kitni growth hoti hai ek baat aur kitni leeway space hai, theek hai. ab فار ایگزامپل ہم فلش ٹرمینل پلین سے بات کرتے ہیں. فلش ٹرمینل پلین میں یہ جو اب نوٹ کر لیں کہ اگر جو ہے وہ آپ کا منیمل گروتھ ہے تو یہ جو پہلی لائن ہے نا, یہ والی لائن یہ وہ شو کر رہی ہے کہ اگر منیمل گروتھ ہوتی ہے. وتھ دا منیمل گروتھ کیا ہوا کہ فلش ٹرمینل پلین یعنی کہ ایج ٹو ایج ریلیشن شپ تھا, فلش ٹرمینل پلین سے ایج ٹو ایج ہی رہا کیونکہ یہاں پر ڈیفرنشیل گروتھ آف دا مینڈیبل نہیں ہے. ہم نے سیفالوکورٹن گریڈینٹ کا پڑھا تھا, اس میں یہ پڑھا تھا کہ دا مینڈیبل ول گرو more as compared to the maxilla. یعنی کہ یہ molar relationship change کیسے ہو رہا ہے کہ maxilla جو ہے وہ بھی grow کر رہا ہے, mandible بھی grow کر رہا ہے, کیونکہ mandible میں differential growth ہے. differential یعنی کہ زیادہ growth ہے, تو زیادہ growth ہونے کی صورت میں mandible جب آگے کی طرف آئے گا تو وہ molar relationship کو change کر سکتا ہے. اگر تو mandible کے minimal growth ہوئی تو جو flush terminal plane پہ molar relationship تھا وہی آگے رہا edge to edge میں. اگر mandible کی growth زیادہ ہوئی, ٹھیک ہے, تو زیادہ گروتھ ہونے کی صورت میں جو ہے وہ, اس کی مثال ہم بالکل ایسے لیتے ہیں کہ جیسے کہ یہ اپر مولر ہے, یہ لوور مولر ہے, یہ لوور مولر از اٹیچ ود دا مینڈیبل. اب مینڈیبل گرو کر کے زیادہ آگے کی طرف چلا گیا تو آبویسلی یہ مولر ریلیشنشپ بھی چینج ہو جائے گا. تو یہ ایج ٹو ایج یعنی فلش ٹرمینل پلین سے مینڈیبل کی گروتھ زیادہ ہونے کی وجہ سے مولر ریلیشنشپ ڈیولپ کرے گا, وہ کلاس ون مولر ہوگا. کلاس ون مولر کیوں ہوا کہ مینڈیبل خود آگے چلا گیا زیادہ اپنی ڈیفرنشل گروتھ کی وجہ سے, تو اس کے ساتھ جو مولر اٹیچ تھا وہ بھی آگے چلا گیا تو مولر ریلیشنشپ ہو گیا چینج.
ناؤ کمنگ بیک ٹو دا ڈسٹل اسٹیپ, ڈسٹل اسٹیپ کا مطلب کیا ہے کہ جو لوور ای ہے وہ پیچھے کی طرف ہے. تو کیا ہوا کہ اگر منیمل گروتھ ہوتی ہے, منیمل گروتھ ہونے کی وجہ سے جو ریلیشن شپ پرائمری ڈینٹیشن میں تھا وہی کا وہی مینٹین رہا, تو ڈسٹل اسٹیپ سے کلاس ٹو بن گیا. لیکن اگر آپ کی اچھی گروتھ ہوتی ہے اور لیٹ میزل شپ میں آگے کی طرف گرو کرتا ہے تو وہ ایچ ٹو ایچ میں کنورٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح یہی لاجک ہم میزل اسٹیپ میں یوز کرتے ہیں. میزل اسٹیپ میں آلریڈی آگے کی طرف ہے, اگر تو زیادہ گروتھ نہیں ہوتی ہے ود دا منیمل گروتھ آف دا مینڈیبل تو وہ کلاس ون مولر ریلیشن شپ مینٹین رہے گا. لیکن اگر مینڈیبل کی گروتھ زیادہ ہوتی ہے یا آگے زیادہ گروتھ کی طرف چلا جاتا ہے تو وہ کلاس تھری مولر ریلیشن شپ کی طرف چلا جائے گا. سو دیٹس آل اباؤٹ دا چیپٹر تھری. اس میں اور اس کے علاوہ کوئی اور امپورٹنٹ ایسچ بات نہیں ہے. سو